तो गाइस काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मिस्टर इंडियन हैकर की कार कौन चला रहा था और क्या सच में वीरेंद्र भाई और भूपेंद्र भाई को उनकी टीम से निकाला है या फिर नहीं। तो मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, उससे पहले आप वीडियो के लिए एक लाइक कर देना यार। तो दिलराज भाई की वो स्कॉर्पियो कार वीरेंद्र सिंह के भाई चला रहे थे और उनसे ये एक्सीडेंट हो गया। अब आप कहोगे कि तुझे कैसे पता कि वो कार वीरेंद्र सिंह का भाई चला रहा था। तो सचिन क्रेजी व्लॉग्स नाम के एक यूट्यूबर है जिन्होंने अपनी वीडियो में बताया था कि ये कार वीरेंद्र सिंह के भाई चला रहे थे। तो और आधे लोग मुझसे कमेंट में और इंस्टाग्राम पर पूछ रहे थे कि वीरेंद्र सिंह को सच में दिलराज भाई ने निकाला है या फिर नहीं। तो मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जिसके अंदर दिलराज भाई ने खुद कहा है कि अब उनकी टीम में दो मेंबर नहीं है। जी हाँ गाइस, जहाँ पर हम 12 लोग हुआ करते थे टीम के अंदर, अब से 10 लोग। तो गाइस हो सकता है कि दिलराज भाई वीरेंद्र भाई को कुछ टाइम बाद वापस माफ कर देवे और वो उनकी टीम में वापस आ जावे। और गाइस क्या आपने वीरेंद्र भाई की वाली बात नोटिस करी क्या कि जब उन्होंने एक वीडियो डाली थी एडिटर ऑफ मिस्टर इंडियन हैकर तो उसमें थंबनेल ये वाला था और अब थोड़ा टाइम बाद ये थंबनेल ये वाला है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस को मालूम था कि वीरेंद्र भाई ने इस वीडियो को थंबनेल चेंज करा है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलना और कभी कभी कमेंट भी कर दिया करो यार।